तो गाइस आज मैं आपको बजाज मैजिस्ट्री ट्रैवेलिस्टा एक छोटी सी स्टीम आयरन के बारे में बताने वाला हूँ। इस आयरन को खास करके ट्रैवल के लिए बनाया गया है। सो फ्रेंड, ये आयरन बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज में आती है जिसको आप ट्रैवल के लिए कहीं पे भी ले जा सकते हैं। सो फ्रेंड, आइए ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो वेलकम टू माई चैनल गाइस। सो फ्रेंड, ये है आयरन की बॉक्स। यहाँ पे 2090 MRP दिया गया है। सो फ्रेंड, ये है बजाज मैजिस्ट्री ट्रैवेलिस्टा स्टीम आयरन जो 230 वोल्ट का है, जिसकी वाटेज है 800। यहाँ पे बजाज का लोगो, यहाँ पे पायलट लाइट और इंडिकेटर। सो फ्रेंड, आयरन की बॉडी प्लास्टिक से बना हुआ है। फ्रेंड, यहाँ पे वाटर इनलेट कैप दिया गया है। ब्लू कलर की जो पोर्शन है, ये छोटी सी एक वाटर टैंक है। ये आयरन आपको ब्लू एंड व्हाइट कलर की कॉम्बिनेशन में ही मिलेगा। नीचे यहाँ पे सिरेमिक कोटेड सोल प्लेट यूज किया गया है जो कपड़े में ना चिपके। तो गाइस, ये कुछ इस तरह है। ये बहुत ही सॉफ्ट एंड स्मूथ इसकी जो सरफेस है वो है। प्लेट में जो होल किया गया है, यहाँ से स्टीम बाहर आएगी। तो गाइस, यहाँ पे बेसिक कुछ इन्फॉर्मेशन। सो फ्रेंड, आयरन में यहाँ पे एक पुश बटन दिया गया है जिसको आप पुश करके इसकी जो हैंडल है इसे आप फोल्ड कर सकते हैं। हैंडल फोल्ड हो जाने के बाद ये और भी कॉम्पैक्ट हो जाती है। ये देखिए, यहाँ पे इसकी जो हैंडल है ये कैसा मूव कर रहा है। आयरन में यहाँ पे छोटी सी एक स्टीम कंट्रोल नॉब दिया गया है, इससे आप स्टीम को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। नीचे आपका जो स्टीम है वो ऑन हो जाएगा और ऊपर में ऑफ हो जाएगा। आयरन में यहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोल डायल दिया गया है। यहाँ पे देखिए एक इंडिकेटर दिया गया है, इसे आप घुमा के जो आपका टेम्परेचर है उसको आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सो फ्रेंड, इस आयरन की जो परचेस लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और उसकी जो सर्विस का नंबर है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आप लोग चाहे तो वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। सो फ्रेंड, आयरन में 6 एम्पीयर 3-पिन प्लग दिया गया है जिसकी कॉर्ड की लेंथ है 66 इंचेस। आयरन के साथ यहाँ पे एक वाटर मेजरिंग कप और एक मैनुअल बुक और उसके साथ एक वारंटी कार्ड। फ्रेंड, इस आयरन में 2 साल की वारंटी दिया गया है। यहाँ पे देखिए आयरन का साइज इतनी कॉम्पैक्ट है कि ये आपके पम में इजी फिट हो जाएगा। इसकी जो साइज है आप इसे यकीन मानिए इजीली कहीं पे भी कैरी कर सकते हैं। यहाँ पे इसकी साइज देखिए, यहाँ पे जो आयरन की हाइट है ये देखिए 4.75 इंच तकरीबन, और सोल प्लेट की जो साइज है ये तकरीबन 5.5 इंच का है। सो अभी आते हैं फाइनल टॉपिक पे कि इसे कैसे यूज किया जाए। गाइस, यहाँ पे जो मैंने स्क्रीनशॉट दिया है आप इसे ध्यान से पढ़िए। इसका जो इंस्ट्रक्शन है मैं आपको बता देता हूँ। मैंने यहाँ पे पानी पोर कर लिया है। सो फ्रेंड, आयरन की यहाँ पे जो इंडिकेटर है उसको और डायल नॉब के ऊपर जो 3 डॉट किया गया है उसको आपको सेम टू सेम पोजिशन में बिठाना है। प्लग इन करने के बाद आयरन जब हीट हो जाएगा तभी आप इस स्टीम कंट्रोल नॉब को नीचे पुश कीजिए। देखिए ये कैसे स्टीम निकल रहा है। अभी देखिए गाइस, ये अभी ऑफ हो जाएगा। और गाइस, इस आयरन में ऑटो कट दिया गया है इसलिए आपको कोई टेंशन की बात नहीं कि कपड़ा आपका जल जाएगा। ये ऑटोमेटिकली ज़्यादा गर्म हो जाने से ऑटो कट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, मैं आपको थोड़ा प्रेस करके दिखाता हूँ कपड़ा। सो फ्रेंड, और एक जरूरी बात, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। उसके साथ साथ जो बेल आइकन है आप उसे भी थोड़ा प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहे। और गाइस, इस आयरन को लेके अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं जरूर उसका सही आंसर आप लोगों को बताऊंगा। सो फ्रेंड, इस आयरन में से 1 मिनट में 3 से 5 ग्राम स्टीम निकलता है। सो यहाँ पे देखिए, ये जो कपड़ा है ये कितनी अच्छी तरह से प्रेस हो चुका है। अभी तक मैंने यहाँ पे स्टीम को बाहर नहीं निकाला। अभी देखिए, मैं थोड़ा आपको स्टीम निकाल के दिखाता हूँ। सो फ्रेंड, ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो आप चाहे तो लाइक भी कर सकते हैं। आप लोगों की लाइक्स मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो फ्रेंड, इस आयरन में पानी पोर करने के बाद जब तक ये हीट ना हो
तब तक आप इसे हिलाइए मत, नहीं तो पानी एक दो बूंद नीचे गिर सकता है। तो फ्रेंड आप यहाँ पे शायद देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने जो कपड़ा प्रेस किया है ये बहुत ही अच्छी तरीके से प्रेस हो चुका है। और गाइस आयरन में से पानी को निकालने के लिए आपको सिंपली इसे ऐसा उल्टा करना है और उससे जो बचा कुचा पानी है वो बाहर निकल जाएगी। सो फ्रेंड फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे एक नया और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।